अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना के नायक। तुमको क्या करना लोरी से, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के। उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नवयुग का। विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अभी हम चलते हैं ओझा जी के पास। आपने 2013 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करी, बट उसके बाद से आप भी निरंतर सफलता की सीढ़ियां क्लाइंब कर रहे हैं। आपका क्या अनुभव रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? कितना आपके हिसाब से हमने अचीव किया है इंडिया में, और क्या हमारे सामने कुछ कमियां रह गई जिन्हें दूर करने की जरूरत थी? थैंक यू सो मच विवेक सर, कमलकांत सर और ऑल ग्रेट लीडर। सर 2013 में जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में, मैं इंडस्ट्री को पहले हल्के में लेता था, और आप लोग भी लेते होंगे और बहुत सारे लोग भी इसको हल्के में ले रहे थे। तो 2013 में जब इस इंडस्ट्री में आया और जब देखा कि यहाँ पे जो भी लोग सफल हैं वो छोटे छोटे फैमिली से आए हैं और उनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, और यहाँ पे सब लोगों ने बड़ा बड़ा नाम अचीव किया है, जो काम एक जनरेशन में नहीं होता है वो यहाँ से उन्होंने पूरा किया है, तो मेरे ऊपर काफ़ी लेबिलिटी था और मैं इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आया। कहानी मेरा लंबा है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि मैं बिहार से हूँ, और इंडस्ट्री में जब आने के बाद जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो कोई ना कोई कदम उठाता है, और मैं मजबूरी में इस इंडस्ट्री में आया। आने के बाद जब अचीवमेंट लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो मैं इस इंडस्ट्री में खेलना शुरू कर दिया, ना कि काम करना, और इसको इंजॉय करना शुरू किया। मैं रातों दिन जब कहीं बैठता हूँ चाहे कहीं भी, एक घंटा भी मेरा टाइम निकलता है लगता है कि मैं अपने टाइम को बर्बाद कर रहा हूँ। और मैं इसमें जब लगा तो देखा कि इसका तो फ्यूचर अब शुरू हुआ है, यानी कहानी अब शुरू हुआ है। तो बेसिकली दूरदृष्टि वाले लोगों का ये काम है, और मैं सर बता रहा हूँ कि जिस तरह कमल सर ने ये मुहिम छेड़ा है, आप सब ने छेड़ा है, ये आने वाले सर बता रहे थे कि बहुत 2025 तक जो अमेरिका को हम बीट करने वाले हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि हम लोग एजुकेशन को फोकस नहीं कर रहे थे। पहले जो लीगल कंपनियां चल रही है उसके साथ साथ कई लोग फास्ट अचीवमेंट के चक्कर में गलत कंपनी मार्केट में आए, लोगों को दिशा भटकाना शुरू कर दिए। तो दिक्कत यह आया कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण किसी का भी पहले का बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलिंग से नहीं था, जैसे मेरा भी नहीं था, तो हमारा भी इसके प्रति नज़रिया गलत था। लेकिन आने के बाद धीरे धीरे जैसे एजुकेशन आना शुरू हुआ तो नज़रिया बदलने शुरू हो गए, तो धीरे धीरे लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक दिन आएगा, ये युग आएगा कि हमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा सर, क्योंकि हर व्यक्ति जो है ऑटोमेटिक डायरेक्ट सेलिंग की तरफ भागना शुरू होगा। लेकिन अभी वो समय आने में 1-2 साल बाकी है। अभी क्या है कि लोग को पता चल चुका है कि अचीवमेंट मिलता है, पैसा यहाँ से मिलता है, लोग अमीर बनते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं बनते कैसे। इसलिए जनरल पब्लिक यानी लोकल लोग बिना सीखे चाहते हैं कि मैं भी ऐसा बन जाऊँ। तो इसके लिए सर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है जो अपनों ने शुरू किया है, और ये जैसे हमारे बीच में आएगा वैसे हम अमेरिका को भी बीट करेंगे, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ जो है, अभी हम 7,500 करोड़ पे थे, उसके बाद हम बढ़ के 10,000 पे आए, फिर अभी 15,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो आने वाले कुछ दिन के अंदर अगर ऐसा हम लोग का सपोर्ट सिस्टम मिलता रहा, और हमारे जो भी लीडर आज बैठे हैं ग्रेट लीडर, ये आज हम इस डायरेक्ट सेलिंग के एज ए फाउंडर लीडर है, ना ही कि हम कंपनी के हैं। तो आज के बाद हमने कई बार फील्ड में जब जाता हूं तो देखता हूं सर कि लोकल लोग क्या बोलते हैं कि उस कंपनी जैसा है, उस कंपनी जैसा है, तो हम फटाक से जवाब देते हैं नहीं, वैसे उसके जैसा नहीं है। हो सकता है सामने वाले को कंपनी पसंद हो, उसमें अच्छाई हो, लेकिन हम ना बोलते हैं। तो अगर हम लोग सभी लोग अगर एकजुट होकर इस मुहिम के साथ अगर लगें, इस आंदोलन को अगर आगे बढ़ाएं, तो दिन दूर नहीं है कि हम अमेरिका को भी बीट करेंगे और ऐसे कई कंट्री को बीट करेंगे, और हम हर घर तक डायरेक्ट सेलिंग को पहुंचाएंगे। सोलोनी यूनिवर्सिटी जो लेके आई है ये डिप्लोमा
पीजी डिप्लोमा, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और हमारे टीम से बहुत सारे लीडर यहाँ पे आए हुए हैं, और सर से मैंने बोला भी है कि बहुत जल्दी मैं हर व्यक्ति को इसमें लेके आऊँगा, क्योंकि जो लीडर इस कोर्स को कर लिया और डायरेक्ट सेलिंग के प्रति उसका एजुकेशन उसके अंदर आ गया, तो आप अरबपति नहीं खरबपति की तरफ बढ़ जाएंगे और सदा के लिए अमीर बन जाएंगे, सात पीढ़ी बदल जाएगा। तो अभी तो हम अपने टीम में जाके इस मुहिम को छेड़ने वाले हैं और हर लीडर को यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओझा जी।